हेलो स्टूडेंट्स, आप क्लास टेंथ। टुडे आई स्टार्ट्स चैप्टर थर्ड सिविक्स। दिस चैप्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन बोर्ड एग्जाम बट इन पीरियोडिक टेस्ट वैल्यू। तो इन द लास्ट चैप्टर we saw how power can be distributed to accommodate linguistic and regional diversities। इसके पहले हमने दो चैप्टर एक्सप्लेन किया था, दोनों के वीडियो बना के आपको भेजे हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी हैं वो। जो नहीं पढ़े होंगे उसको यूट्यूब चैनल से लिंक करके पढ़ सकते हैं। पहला चैप्टर था पावर शेयरिंग, सेकेंड चैप्टर फेडरलिज्म। तो इस चैप्टर में या इस पिछले चैप्टरों में हमने देखा कि कैसे पावर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटीज, भाषा और क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया पावर को। बट लैंग्वेज एंड रीजन आर नॉट द ओनली फीचर्स ऑफ दिस या दैट गिव अ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी टू पीपल। केवल लैंग्वेज मतलब भाषा या क्षेत्र ही नहीं है डिस्टिंक्ट फीचर्स की हम लोगों की आइडेंटिटी कर सके, उनकी पहचान कर सके भाषा के आधार पर या उनके क्षेत्र के आधार पर। समटाइम्स पीपल आल्सो आइडेंटिफाई देमसेल्व एंड रिलेट विद अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ दियर फिजिकल अपीयरेंस। किस बेस पर? लोगों के आइडेंटिफाई, उनके रिलेट, उनके रिलेशन, उनके बिहेवियर, उनके फिजिकल बॉडी बनावट के आधार पे, क्लास, वर्ण, रिलीजन, धर्म, जेंडर, कास्ट, ट्राइब्स, इस सब के बेस पर भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इन दिस चैप्टर वी स्टडी हाउ डेमोक्रेसी रिस्पॉन्ड्स द सोशल डिफरेंसेस, डिवीजन एंड इनइक्वलिटीज। लोकतंत्र में कैसे सामाजिक विभिन्नता, सामाजिक डिवीजन और असमानता। We begin with an examples of public expression of social division. We then draw some general lessons about how social differences can take various forms. We then turn to how democratic politics affects and is affected by these social diversities. उसके बाद फिर हम देखेंगे कि कैसे जो है लोकतांत्रिक राजनीति जो है अफेक्ट एंड अफेक्टेड बाय प्रभावित होती है और सोशल डाइवर्सिटीज सामाजिक विभिन्नताओं से कैसे के द्वारा। अ स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक्स। अब इसमें जो कहानी दी गई है मैक्सिमो ओलंपिक में, जिसमें कि एथलीट्स जो रनर हुए फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन के लिए गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल एंड ब्रॉन्ज मेडल, जैसा कि फोटोग्राफ में आपको दिखाया गया है, तीनों अलग अलग रीजन के थे, तीनों अलग अलग कंट्रीज के, तीनों अलग अलग जो है कॉस्ट एंड रेस के थे। द पिक्चर ऑन दिस पेज डिपिक्ट्स एन इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द सिविल राइट मूवमेंट्स इन द यूनाइटेड स्टेट। मतलब सिविल राइट्स मूवमेंट्स, नागरिक अधिकारों के आंदोलन यूनाइटेड स्टेट में जो चल रहा था, उसमें एक लैंडमार्क के रूप में, पत्थर की लकीर जिसको हम कह सकते हैं, साबित हुआ। दीज रिप्रेजेंट द मेडल सेरेमनी ऑफ द 200 मीटर रेस इन द 1968 ओलंपिक्स हेल्ड एट मैक्सिको सिटी। क्या था? मैक्सिको सिटी में 1968 ओलंपिक के 200 मीटर रेस में मेडल सेरेमनी के दौरान द टू मैन स्टैंडिंग विद क्लेंज्ड फिस्ट अपरेज्ड एंड हेड बोर्ड। जिसमें दिख रहा है कि दो खड़े हुए हैं अपने अपने टेबल इस पे, जो रैंक वाला होता फर्स्ट सेकंड थर्ड, और हैंड्स को अप किए हैं, हेड को डाउन किए हैं। वाइल द अमेरिकन नेशनल एंथम वाज प्लेड, जबकि अमेरिका का नेशनल एंथम चल रहा था।
यूएस एथलीट टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, एक गोल्ड मेडल, दूसरा जो है ब्रॉन्ज मेडल। दे आर अफ्रीकन अमेरिकन्स, क्या थे ये? अफ्रीकन अमेरिकन मतलब मूल अफ्रीका के थे लेकिन अमेरिका में रहने वाले। दे हैड वन द गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल रेस्पेक्टिवली। दे रिसीव दियर मेडल्स बियरिंग ब्लैक सॉक्स एंड नो शूज। ये अपने मेडल को ग्रहण करते समय काले सॉक्स पहने हैं, शूज नहीं पहने हैं, ब्लैक पावर्टी जो कि शो कर रहा है। विद दिस फिगर दे ट्राइड टू ड्रॉ इंटरनेशनल अटेंशन, इसके थ्रू अंतर्राष्ट्रीय लोगों का ध्यान इस चीज़ पर लाना चाह रहे हैं, रेसियल डिस्क्रिमिनेशन जो वर्ड भेदभाव है इन द यूनाइटेड स्टेट यूएस में। एंड ब्लैक ग्लव्स एंड रेज्ड, काला ग्लव्स पहने हुए हैं, काला आप जानते हैं मतलब विरोध का होता है, और हैंड जो रेज किए हैं, क्लेंच्ड फिस्ट वर मीन्ड टू सिम्बलाइज ब्लैक पावर, किसको सिम्बलाइज कर रहा है, जो ब्लैक पावर का। द सिल्वर मेडलिस्ट वाइट ऑस्ट्रेलियन एथलीट, जो सिल्वर मेडल विजेता है ऑस्ट्रेलियन एथलीट है पीटर नॉर्मन, और अ ह्यूमन राइट बैज, क्या पहना हुआ है, मानवाधिकार का बैज लगाया हुआ है ऑन हिज शर्ट ड्यूरिंग द सेरेमनी टू शो हिज सपोर्ट्स टू द टू अमेरिकन, अपने सर पर और इस चीज़ का सपोर्ट कर रहा है अमेरिकन, सो ही सपोर्ट टू द टू अमेरिकन, इन दोनों का वो सपोर्ट शो कर रहा है मतलब कि उनका समर्थन में। डू यू थिंक दैट कार्लोस एंड स्मिथ शुड हैव रेज्ड एन इंटरनेशनल मेटल ऑफ अमेरिकन सोसाइटी इन एन इंटरनेशनल फोरम, क्या आप ये सोचते हैं कि ये दोनों एथलीट जो हैं अमेरिका के जो निग्रो, ये मुद्दा जो है साउथ अमेरिका का उसको अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर प्रेजेंट कर रहे हैं। वुड यू से दैट व्हाट दे डिड वाज पॉलिटिकल, क्या आप उसको कह सकते हैं जो ये कर रहे हैं वो राजनीतिक है। व्हाई डू यू थिंक पीटर नॉर्मर हु वाज नाइदर ब्लैक नॉर अमेरिकन, जो कि ना तो अमेरिकन है ना ब्लैक है, क्यों ज्वाइंड गेस्टर ऑफ प्रोटेस्ट, उस प्रोटेस्ट में शामिल है। If you were in Norman's place, what would you do? अगर आप उसके स्थान पर होते तो क्या करते, ये सब questions हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है इनकी statue जो है उस college के उसमें बनाई गई है जहाँ पर इनको जिस college से निकाल दिया गया था और इन्हें suspend बहुत सी चीज़ें दी गई, medal ले लिया गया इनका। द इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन हेल्ड कार्लोस एंड स्मिथ गिल्टी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो संगठन है उन गिल्टी, अपराधी पाया वायोलेटिंग द ओलंपिक स्पिरिट, ओलंपिक भावनाओं को हिंसात्मक करने के लिए, वायोलेट करने के लिए, एंड मेकिंग पॉलिटिकल स्टेटमेंट। दियर मेडल्स वर टेकन बैक, उनके मेडल्स ले लिए गए। बैक होम दे वेयर सब्जेक्टेड अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, उनकी बहुत सी आलोचना हुई। नॉर्मन टू सफर्ड फॉर हिज एक्शन, नॉर्मन भी ऐसे ही अपने कार्यों के लिए प्रताड़ित हुआ। एंड वाज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑस्ट्रेलियन टीम फॉर द नेक्स्ट ओलंपिक, अगले ओलंपिक में उसको ऑस्ट्रेलियन टीम में मौका नहीं मिला। बट दियर एक्शन सक्सीडेड इन गेनिंग इंटरनेशनल अटेंशन फॉर द सिविल राइट मूवमेंट इन द यूएस, लेकिन उनके कार्य जो है सफल हुए, जो उन्होंने किया उसकी सफलता मिली, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लोगों का ध्यान जो है यूएस में सिविल राइट मूवमेंट, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, इसमें लोगों ने इस चीज़ को उठाया या इसके आगे बढ़ाया। रिसेंटली द सैन जोस प्रोनाउंस द सैन हॉज स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ विच दे वेयर फॉर्मर स्टूडेंट, जिसके वो पहले स्टूडेंट थे, उस विश्वविद्यालय के लोगों ने उनका सम्मान किया। देम एंड इनिशियल दियर स्टेचू इन द यूनिवर्सिटी कैंपस, और उनकी स्टेचू जो है अपनी यूनिवर्सिटी कैंपस में लगाई, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। When Norman died in 2006, Smith and Carlos were pallbearers at his funeral, और जब नॉर्मन 2006 में उसकी डेथ हुई तो स्मिथ और कार्लोस भी जो है उस सेरेमनी में शामिल हुए, फर्नर उसके
दाह संस्कार जिसको हम कह सकते हैं, या ऊपर आप पढ़िएगा एक्टिविटी, डिफरेंसेस सिमिलरिटीज डिवीजन। द एथलीट्स इन द एग्जाम्पल्स एवर वर रिस्पॉन्डिंग टू सोशल डिवीजन एंड सोशल इनइक्वलिटीज। जो उधर एग्जाम्पल ऊपर अभी हमने एक्सप्लेन किया कि एथलीट लोगों ने किया, ये क्या था, सोशल डिवीजन, सामाजिक डिवीजन एंड सोशल इनइक्वलिटीज, जो हमारे समाज में असमानताएं हैं, इस चीज को शो किया। बट डज दैट हैपन ओनली इन सोसाइटीज विच हैव रेशियल डिवीजन। क्या केवल उसी सोसाइटी में जहाँ वर्ण डिवीजन है, जहाँ वर्ण के आधार पर, मीन्स अपार्थीड। इन द प्रीवियस टू चैप्टर्स वी हैव ऑलरेडी नोटेड सम अदर फॉर्म ऑफ सोशल डिवीजन, जैसे कि पहले चैप्टर में हमने श्रीलंका और बेल्जियम का एग्जाम्पल लेके पावर शेयरिंग, वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही था। द एग्जाम्पल्स बेल्जियम एंड श्रीलंका, यस आगे है भी, सो बोथ रीजनल एंड सोशल डिवीजन, क्षेत्रीय और सामाजिक विभेदता भी, भेदभाव भी। इन द केस ऑफ बेल्जियम वी नोटेड दैट पीपल हु लिव इन डिफरेंट रीजन स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। इन श्रीलंका वी नोटेड लिंग्विस्टिक एज वेल एज रिलीजियस डिफरेंसेस। द सोशल डाइवर्सिटी कैन टेक डिफरेंट फॉर्म इन डिफरेंट सोसाइटीज। तो जो सामाजिक डाइवर्सिटीज है, सामाजिक विविधता है, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से हो सकती है। US में ये वर्ण के आधार पर थी, रेशियल स्किन कलर। ओरिजिन्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस, कैसे ये ओरिजिन होती है, सोशल डिफरेंसेस समाज में कैसे आता है। दीज सोशल डिफरेंसेस आर मोस्टली बेस्ड ऑन एक्सीडेंट्स ऑफ बर्थ। नॉर्मली वी डू नॉट चूज टू बिलोंग टू आवर कम्युनिटी। हम अपने समुदाय को, अपने को बिलोंग नहीं करते हैं। बी बिलोंगिंग टू इट सिंपली बिकॉज वी वेयर बॉर्न इन टू इट। हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम इस समाज में ऐसा, हम समाज में पैदा हुए हैं, हम जिस समाज में पैदा हुए हैं उसी समाज के रीत रिवाजों को फॉलो करते हैं। बी आल एक्सपीरियंस सोशल डिफरेंसेस बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ इन आवर एवरीडे लाइफ। अपने दैनिक जीवन में भी हम किसके बेस पर करते हैं डिफरेंसेस, जो है बर्थ के आधार पर। पीपल जिस समाज में जो पैदा हुआ है, जिस वर्ण में पैदा हुआ है, जिस कास्ट में जो पैदा हुआ है, उसी के नॉर्म को फॉलो कर रहा है। मेल्स और फीमेल दैट दे आर टॉल एंड शॉर्ट हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्प्लेक्शन, विविधता, जटिलता, और हैव डिफरेंट फिजिकल एबिलिटीज और डिसेबिलिटीज, शारीरिक क्षमता अक्षमता। बट ऑल काइंड्स ऑफ सोशल डिफरेंसेस आर नॉट बेस्ड ऑन एक्सीडेंट ऑफ बर्थ। लेकिन सभी तरह की जो सामाजिक डिफरेंसिएशन है वो बर्थ के आधार पर नहीं होती हैं। सम ऑफ द डिफरेंसेस आर बेस्ड ऑन आवर चॉइस। किसके आधार पर, हमारी चॉइस। फॉर एग्जाम्पल सम पीपल्स आर एथिस्ट, दे डू नॉट बिलीव इन गॉड और एनी रिलीजन, मतलब नास्तिक जिसको हम कहते हैं, जो किसी भगवान या किसी धर्म में विश्वास नहीं करते हैं। सम पीपुल चूज फॉलो अ रिलीजन्स अदर देन द वन इन विच दे वर बॉर्न। जबकि कुछ लोग क्या करते हैं, जिस धर्म में पैदा हुई उसी धर्म को फॉलो करते हैं, जैसे हिंदू में, मुस्लिम में, क्रिश्चियनिटी या सिख इस्लाम जैसे जो है उसी को फॉलो करते हैं। मोस्ट ऑफ अस चूज व्हाट टू स्टडी, विच ऑक्यूपेशन टू टेक अप एंड विच गेम्स आर कल्चरल एक्टिविटीज टू टेक पार्ट इन। कौन से ऑक्यूपेशन करने चाहिए, कौन से कल्चरल एक्टिविटीज करने चाहिए, कौन से हमें गेम्स या इसमें भाग लेना चाहिए। ऑल दीज लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सोशल ग्रुप। क्या बनाता है ये, सामाजिक ग्रुप दैट आर बेस्ड ऑन आवर चॉइस। किस आधार पर, हमारी चॉइस के आधार पर है। एवरी सोशल डिफरेंसेस डज नॉट लीड टू सोशल डिवीजन, और प्रत्येक सोशल डिफरेंसेस जो है सोशल डिवीजन नहीं बढ़ाता। सोशल डिफरेंसेस डिवाइड सिमिलर पीपुल फ्रॉम वन अनदर बट दे आल्सो यूनाइट वेरी डिफरेंट पीपुल। लेकिन ये क्या करते हैं, डिवाइड करता है समान लोगों को फ्रॉम वन अनदर एक दूसरे से, जबकि दूसरे विभिन्न लोगों को जोड़ता भी है। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल ग्रुप शेयर डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज कटिंग अक्रॉस द बाउंड्रिंग ऑफ दियर ग्रुप। इन द इंस्टेंस अबव कार्लोस एंड स्मिथ वर सिमिलर इन वन वे,
कार्लोस एंड स्मिथ सिमिलर इन वन वे, एक चीज में दोनों समान थे, बोथ वर अफ्रीकन अमेरिकन, क्या थे दोनों, अफ्रीकन अमेरिकन थे, एंड दस डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मन, नॉर्मन जो था ऑस्ट्रेलियन का था, ना तो उनके कास्ट का था ना उनके रेस का था, लेकिन क्या थी समानता, सब एथलीट थे, दे वेर ऑल एथलीट्स हु गुड अगेंस्ट रेसियल डिस्क्रिमिनेशन, जिन लोगों ने उस रेसियल डिस्क्रिमिनेशन अपार्थीट के खिलाफ अच्छा वर्क किया. इट इज फेयरली कॉमन फॉर पीपल बिलोंगिंग टू द सेम रिलीजन टू फील दैट दे डू नॉट बिलोंगिंग टू द सेम कम्युनिटी. सेम, बहुत से ऐसे होते हैं जो सेम रिलीजन फॉलो करते हैं लेकिन उस शायद सेम कम्युनिटी के नहीं होते हैं. इट आल्सो पॉसिबल, ये भी हो सकता है, फॉर पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन टू हैव द सेम कास्ट, एक ही कास्ट के हो लेकिन उनका रिलीजन अलग अलग हो. रिच एंड पुअर पर्सन फ्रॉम द सेम फैमिली ऑफ एंड डू नॉट कीप क्लोज रिलेशन, उसी परिवार के या उसी समुदाय के धनी वर्ग गरीब वर्ग, इनमें शायद आपसी संबंध ना हो. परिवार में आप देख लीजिए सब लोग एक मत पे नहीं रहते हैं, सबका अपना अपना डिफरेंट स्टैंड है. आइडेंटिटी दस वी ऑल हैव मोर देन वन आइडेंटिटी एंड कैन बिलोंग टू मोर देन वन सोशल ग्रुप, वी हैव डिफरेंट आइडेंटिटीज इन डिफरेंट कॉन्टेस्ट. अपार्थीट, इसका डिस्क्रिप्शन कई बार हम कर चुके हैं अपार्थीट के बारे में. ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस क्या है, अब ओवरलैपिंग और क्रॉस कटिंग ये दो डिफरेंसेस के बारे में बताया गया. सोशल डिवीजन टेक प्लेस, ओवरलैपिंग आप पढ़ते हो मैथ्स में भी, ओवरलैप करना. डिफरेंसेस ओवरलैप विद अदर डिफरेंसेस, जब एक डिफरेंसेस सामाजिक डिफरेंसेस विभिन्नता दूसरे डिफरेंसेस पर ओवरलैप करे, मतलब उस पर प्रभावी हो जाए, उसको ढके जिसको हम कहते हैं. द डिफरेंसेस बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट बिकम अ सोशल डिवीजन इन द यूएस बिकॉज द ब्लैक टेंड टू बी पुअर. जैसे कि एग्जाम्पल जो दिया गया यहाँ पे, अमेरिका में ब्लैक एंड व्हाइट, तो ब्लैक पुअर थे व्हाइट रिच थे, तो व्हाइट का जो डिफरेंसेस ब्लैक के ऊपर ओवरलैप कर रहा था. डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इन आवर कंट्री दलित टेंड टू बी पुअर एंड लैंडलेस, जैसे हमारे देश में दलित गरीब और भूमिहीन होते हैं. दे ऑफन फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस, वो भी प्राय जो है भेदभाव और अन्याय को फेस करते हैं. सिचुएशन ऑफ दिस काइंड प्रोड्यूस सोशल डिवीजन, और इससे क्या होता है, सोशल डिवीजन प्रोड्यूस होता है, सामाजिक भेदभाव. When one kinds of social differences become more important, और जब एक तरह का social difference जो है ज़्यादा important हो जाए, अदर दूसरे feeling that they belong to different communities, तो इसको हम if social differences cross cut one another, और यदि जो सामाजिक हमारा जो differentiation है, सामाजिक भेदभाव है, विभिन्नता है, ये cross cut कर एक दूसरे से, it is difficult to put one group आप पीपल अगेंस्ट द अदर, अर्थात दो विभिन्न लोगों को, दो विभिन्न सामाजिक विचारधाराओं वाले लोगों को एक जगह पे उनको रखना डिफरेंट हो जाए. इट मीन्स दैट ग्रुप दैट शेयर अ कॉमन इंटरेस्ट इन वन इशू आर लाइकली टू बी इन डिफरेंट साइड ऑन ए डिफरेंट इशूज. कंसीडर द केसेस ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड एंड द नॉर्दर्न नीदरलैंड. अब यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है दोनों में अलग अलग, आयरलैंड और नीदरलैंड, बोथ आर प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन, दोनों क्रिश्चियनिटी हैं, क्रिश्चियनिटी वहाँ पर है, बट डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट. तो क्रिश्चियन में भी दो ग्रुप है अलग अलग, एक कैथोलिक होते हैं एक प्रोटेस्टेंट. तो कैथोलिक इन द नॉर्दर्न आयरलैंड क्लास एंड रिलीजन ओवरलैप विद ईच अदर, यहाँ पर भी जो है एक दूसरे पर ओवरलैप हो रहा है, अर्थात ये डोमिनेंट है, प्रभावी अपने को फील कर रहे हैं. इफ यू आर कैथोलिक यू आर आल्सो मोर लाइकली टू बी पुअर एंड यू मे हैव सफर्ड अ हिस्ट्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. अगर आप कैथोलिक हैं तो आप ज़्यादा जो है गरीब और डिस्क्रिमिनेशन को सफ़र करते होंगे. इन द नीदरलैंड क्लास एंड रिलीजन टेंड टू कट क्रॉस ईच अदर. नीदरलैंड में क्या है, कट टू क्रॉस ईच अदर. कैथोलिक एंड पीजेंट आर अबाउट इक्वली,
लाइकली टू बी पुअर आर रिच, वहाँ पे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट जो हैं, जो दोनों ग्रुप है क्रिश्चियन में, ये इक्वली लाइकली बट पुअर आर रिच, गरीब या धनी। द रिजल्ट इज दैट कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट हैव हैड कन्फ्लिक्ट इन नॉर्दर्न आयरलैंड, जबकि रिजल्ट क्या आयरलैंड में कन्फ्लिक्ट मतलब एक दूसरे से विरोध, वाइल दे डू नॉट डू सो इन द नीदरलैंड, जबकि नीदरलैंड में ऐसा नहीं है। ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंस क्रिएट पॉसिबिलिटीज ऑफ डीप सोशल, जो ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस है ये हमारे समाज में, समाज को बांटने में काफ़ी संभावनाएं रहती हैं। क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस आर इजियर, जबकि क्रॉस कटिंग सोशल डिफरेंसेस हैं जो इजियर है एकोमोडेट, उसको सॉल्व कर पाना आसान होता है, वहाँ उतना मतभेद नहीं होता, क्योंकि ओवरलैपिंग क्या है, एक दूसरे पर वो प्रभावी है। अपार्थिड वन डे समवन डग अपा 20th सेंचुरी सिटी एंड एंड्स ऑन हिज ऑब्जर्वेशन हियर इज एन इंटरेस्टिंग इंस्क्रिप्शन, क्या मिला खुदाई के दौरान, दिस वाटर टैप इज ओपन टू ऑल कास्ट एंड रिलीजन, व्हाट कुड इट हैव मीन, मतलब ये वाटर टैप जो खोदा गया था, खोला गया था सभी धर्म सभी जाति के लिए, इसका मतलब है दैट इज सोसाइटी वाज डिवाइडेड, समाज बटा हुआ था, दैट सम वर हाई वेल सम अदर लो, ऊंची कास्ट लो कास्ट, वेल ऑल राइट देन दिस सिटी डिजर्ड द ब्यूरिंग, व्हाई डिड दे कॉल इन द मशीन एज, सीम्स लाइक द स्टोन एज इन द 20th सेंचुरी। तो सोशल डिवीजन ऑफ वन काइंड आर देन एग्जिस्ट इन द मोस्ट कंट्रीज, जैसे इट डज नॉट मैटर वेदर द कंट्रीज स्मॉल आर बिग, इंडिया इज अ वास्ट कम्युनिटी विद मेनी कम्युनिटीज, जबकि भारत एक बड़ा देश है, विशाल देश है जहाँ पे बहुत से समुदाय के लोग रहते हैं। बेल्जियम इज स्मॉल कंट्री इन मेनी कम्युनिटीज, बेल्जियम भी छोटा देश है, यहाँ पर भी विभिन्न समुदाय के लोग हैं, डच हैं, फ्रेंच हैं, रशियन हैं, जर्मन स्पीकिंग है। इवन दोज कंट्रीज सच आ जर्मनी एंड स्वीडन दैट वर वंस हाईली होमोजीनस, मतलब मोस्टली एक जैसे, समान वर्ड समान लैंग्वेज, आर अंडर गोइंग रैपिड चेंज विद इनफ्लक्स ऑफ पीपल फ्राम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, माइग्रेंट्स प्रवासी, ब्रिंग विद देम दियर ऑन कल्चर, क्या करते हैं अपने साथ अपने कल्चर लाते, जैसे यहाँ से कोई दूसरे कंट्री में जाए, दूसरे कंट्रीज कोई यहाँ आए तो माइग्रेंट, तो प्रवासी जो हैं ये अपने साथ कल्चर भी लाते हैं फ्राम आ डिफरेंट सोशल कम्युनिटीज, अलग अलग समाज, जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम जब आए तो अपने वो कल्चर भी लाए, पर्सियन कल्चर लाए, फ्राम आ डिफरेंट सोशल कम्युनिटीज। इन दिस सेंस मोस्ट कंट्रीज of the world are multicultural. Politics of social division. How do these social division affect polities? ये जो social division है ये राजनीति को कैसे प्रभावित करती है? What does politics do to these social division? At the first sight, it would appear that the combination of politics and social division is very dangerous and explosive. Means, पहले तो ये दिखता है जैसे कि combination of politics and social division, दोनों का combination हमारे समाज के लिए बहुत खतरा और विस्फोटक प्रतीत होता है। Democracy involves competition among various political parties, जबकि democracy में क्या होता है, various parties के बीच में competition होता है। Their competition tends to divide any society. और ये जो competition है किसी भी समाज को बांटने की प्रवृत्ति भी रखता है। If they starts competing in terms of some existing social division, it can make social division into political division. तो क्या होता है, ये social division जो है political division में change हो सकता है। आज हम देखते हैं हमारे country में भी आज जो political है आज मोनली इसी बेस पर ज़्यादा वर्क करता, सोशल डिवीज़न, एक एक कास्ट को लेकर के लोग अपनी पार्टी बनाए हुए हैं, कोई जो है मुस्लिम को लेकर के, कोई यादव को लेकर के, कोई बैग या सीज को लेकर के, कोई अदर को लेकर के, सब ऐसे ऐसे पूरे
रीजनल पार्टियां जितनी बनती जा रही हैं सब इसी पर है, और आज ज़्यादा उसमें सोशल कन्फ्लिक्ट और सोशल डिवीजन, पॉलिटिकल डिवीजन देखने को मिलता है। रेंज ऑफ आउटकम, टेक द केस ऑफ द नॉर्दर्न आयरलैंड दैट वी रिफर टू अबव, जैसे ऊपर अभी हमने एक्सप्लेन किया, दिस रीजन ऑफ यूनाइटेड किंगडम हैज़ बीन फॉर मेनी ईयर्स द साइट्स ऑफ ए वायोलेंट, किसका बना रहा, हिंसा, बिटर एथनो पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, अर्थात राजनीतिक मतभेद वाला विरोध। इट्स पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू टू मेजर सेक्ट, क्रिश्चियनिटी 53% वर प्रोटेस्टेंट वाइल 44% वर रोमन कैथोलिक, कैथोलिक वर रिप्रेजेंटेड बाय नेशनलिस्ट पार्टीज हु डिमांडेड दैट नॉर्दर्न आयरलैंड बी यूनिफाइड विद द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ये नेशनलिस्ट पार्टी से जुड़े थे कैथोलिक, उनकी मांग थी कि नॉर्दर्न आयरलैंड को रिपब्लिक आयरलैंड में यूनिफाइड किया जाए, अ प्रीडोमिनेंटली कैथोलिक कंट्री, द प्रोटेस्टेंट्स वर रिप्रेजेंटेड बाई यूनियनिस्ट हु वांटेड टू रिमेन विद द यूके विच इज प्रीडोमिनेंटली प्रोटेस्टेंट, जबकि प्रोटेस्टेंट लोग थे जो वो चाहते थे पूरा यूके जो है प्रीडोमिनेंटली प्रभावी रूप में प्रोटेस्टेंट हो। हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस, मिलिटेंट एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर किल्ड, नागरिक, मिलिटेंट्स, सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए इन द फाइट बिटवीन यूनिस्ट एंड नेशनलिस्ट, संघीय और नेशनल राष्ट्रवाद के बीच। अब बुल्गारिया, रोमानिया और इंडिया, इधर जो डिस्कशन किया गया है, दिस रीच द पीस ट्रीटी, और इस चीज़ पर पहुँचे जो सिक्योरिस्ट, जो बचाव के लोग थे, शांति समझौता, आफ्टर विच द लेटर सस्पेंडेड दियर आर्मी स्ट्रगल, जिसके बाद जो है उनकी सैन्य जो संघर्ष था उसको सस्पेंड, निलंबित कर दिया गया इन यूगोस्लाविया। द स्टोरी डिड नॉट हैव अ हैप्पी एंडिंग, यूगोस्लाविया में भी जो है कहानी जो हैप्पी एंडिंग नहीं थी, उसकी अंत भी अच्छा नहीं था। पोलिटिकल कम्पटिशन एलॉन्ग रिलीजियस एंडिंग एथनिक लाइन्स लेट टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूगोस्लाविया, एंडिंग एथनिक लाइन मतलब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूगोस्लाविया, यूगोस्लाविया के डिसइंटीग्रेशन मतलब जो उसका एकीकरण था उसको समाप्त करना, अर्थात बंटवारा, इंटू सिक्स इंडिपेंडेंट कंट्रीज, छः स्वतंत्र देशों में बट गया। सच एग्जाम्पल्स लीड सम पीपुल्स टू कंक्लूड दैट पॉलिटिक्स एंड सोशल डिवीजन, अर्थात इन सब ऊपर जो हमने एग्जाम्पल लेकर के एक्सप्लेन किया, उनका कंक्लूजन निकलता है कि पॉलिटिकल एंड सोशल डिवीजन मस्ट नॉट बी अलाउड टू मिक्स नहीं होनी चाहिए। दे थिंक दैट इट वुड बी बेस्ट इफ देयर आर नो सोशल डिवीजन इन एनी कंट्री, समाज में, देश में कोई सोशल डिवीजन नहीं होना चाहिए। इफ सोशल डिवीजन डू एग्जिस्ट, अगर ऐसा होता है, दे मस्ट नेवर बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स, तो उसे जो है पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस नहीं होना चाहिए, उसको राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम एवरी एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीजन इन पॉलिटिक्स डज नॉट लीड टू सच डिजास्टर, व्हाट हैव ऑलरेडी सीन दैट सोशल डिवीजन ऑफ वन काइंड और अनदर एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वेयर एवर दे एग्जिस्ट दीज डिविजन्स आर रिफ्लेक्टेड इन पॉलिटिक्स। इन अ डेमोक्रेसी इट इज ओनली नेचुरल दैट पॉलिटिक्स पार्टीज वुड टॉक अबाउट दीज डिविजन, मतलब डेमोक्रेसी में ये जो ओनली नेचुरल दैट प्राकृतिक तौर पे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं टॉक करती हैं, अर्थात बात है डिवीजन, मेक डिफरेंट प्रोमिसेस, किस आधार पे, उनके वादे अलग अलग होते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट समुदाय, लुक आफ्टर ड्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कम्युनिटीज, विभिन्न समुदायों से आने वाले जो उनके रिप्रेजेंटेशन हैं उनके, एंड मेक पॉलिसीज टू रिड्रेस द ग्रीवियंसेस ऑफ द
डिसएडवांटेजेस कम्युनिटीज, मतलब कि जो डिसएडवांटेजेस समुदाय के लोग, ऐसे समुदाय के लोग जहाँ पे सुविधाएं जिनको नहीं मिल पा रही, उनके ग्रीवियंसेस को, उनके समस्याओं को, दुखों को सॉल्व करने के लिए। सोशल डिवीजन इफेक्ट वोटिंग इन मोस्ट कंट्री, वोटिंग में भी ये ज़्यादातर देशों में इफेक्ट करता सोशल डिवीजन। पीपुल फ्रॉम वन कंट्री टेंड टू प्रीफर सम पार्टी, कुछ ही पार्टी को, जैसे यहाँ क्लास नाइन्थ में भी हमने डिस्कस किया, चैप्टर सेकंड में आज एक्सप्लेन किया है, उनका भी उसमें है जो इलेक्टोरल पॉलिसीज हैं उस चैप्टर में, कि समाज जितने वर्गों में बांटा होता है उतने अगर पार्टियां जो हैं तो वो अपने ही संबंधित पार्टियों को वोट देते हैं, जैसे कांग्रेसी है, बीजेपी है, वो एंड बीएसपी, सपा, ऐसे अदर पार्टीज भी हैं अलग स्टेट्स में। मेनली तो टू ही मेन पार्टीज हैं, बीजेपी और कांग्रेस नेशनल लेवल पे, बाकी और पार्टियां हैं लेकिन ये हैं जिनके अदर स्टेट में भी गवर्नमेंट्स हैं। इन मेनी कंट्रीज पीपल फ्रॉम वन कम्युनिटी टेंड टू प्रीफर सम पार्टी मोर देन अदर्स, यस, जैसे यादव यादव को ही वोट देना चाहते हैं, मुस्लिम मुस्लिम को ही वोट देना चाहते हैं, ऐसे ही मतलब सब। इन मेनी कंट्रीज देयर आर पार्टीज दैट फोकस ओनली ऑन, बहुत से देशों में ऐसे हैं को केवल एक ही समुदाय के आधार पर फोकस करती हैं, येट ऑल दिस डज नॉट लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, और ये जो है देश की डिसइंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन है, एकीकरण जिसको कहते हैं, और डिस मतलब उसका अपोजिट हो गया, उसको लीड नहीं करती। थ्री डिटर्मिनेंट्स कौन कौन है, थ्री फैक्टर्स आर क्रूशियल इन डिसाइडिंग द आउटकम ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ सोशल डिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपुल परसीव दियर आइडेंटिटीज, कैसे अपनी पहचान देते हैं। इफ पीपुल सी दियर आइडेंटिटीज इन सिमिलर एंड एक्सक्लूसिव टर्म इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू एकोमोडेट। एज लॉन्ग एज पीपुल इन नॉर्दर्न आयरलैंड सा देमसेल्फ एज ओनली, जैसे कि आयरलैंड में वहाँ के लोग केवल अपने को कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट्स ही शो करना चाहते थे, पर्सनल आइडेंटिटी, दियर डिफरेंसेस वर डिफिकल्ट टू रिकॉन्साइल, और इस तरह से उनके जो डिफरेंसेस है उसको रिकॉन्साइल सॉल्व करना बहुत कठिन काम था। इट इज मच इजियर ऑफ द पीपुल सी दैट दियर आइडेंटिटीज आर मल्टीपल, और जब हम अपनी आइडेंटिटी को मल्टीपल शो करते हैं, मल्टीपल आइडेंटिटीज एंड आर कम्प्लीमेंट्री विद द नेशनल आइडेंटिटी, अपनी एक राष्ट्रीय पहचान के रूप में शो करते हैं, तो इसको साल से मेजॉरिटी ऑफ बेल्जियन नाउ फील दैट दे आर एज मच बेल्जियन एज दे आर डच आर जर्मन स्पीकिंग। क्या हुआ वहाँ पे कि फील दैट दे आर एज मच बेल्जियन एज दे आर, जैसे कि बेल्जियन है, डच है, जर्मन स्पीकिंग है, उन लोगों ने अपने को सबको लेकर के फीलिंग किया। दिस हेल्प टर्म टू स्टे टुगेदर, और इससे उनको एक साथ रहने में हेल्प मिला। एज इंडिया एज वेल एज बिलोंगिंग टू स्टेट और लैंग्वेज ग्रुप आर सोशल और रिलीजियस कम्युनिटी, इंडिया में भी ऐसे ही है, डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट सोशल एंड रिलीजियस कम्युनिटी के हैं, लेकिन फिर भी हम मेन क्या शो करते हैं, नेशनलिटी, वी आर इंडियन, और एक इंडिया लेवल पर एक कम्युनिटी के रूप में रहते हैं। सेकंड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज, और दूसरा है कि राजनीतिक पार्टियां उसके लीडर्स अपनी डिमांड को कैसे उठाते हैं, किसी समुदाय के डिमांड को। इट इज़ इजियर टू एकोमोडेट डिमांड्स दैट आर विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, और जब वो एक संवैधानिक ढांचे में होता है तो ईजी होता है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अंदर कम्युनिटी, जबकि किसी दूसरे समुदाय के बेस पर नहीं। द डिमांड फॉर ओनली सिंहला, जैसे श्रीलंका में कि सिंहला, केवल सिंहला के बेस पर कि सिंहला को मेजॉरिटी है और वही गवर्नमेंट बने, उन्हीं को राइट्स मिले, अदर को डिनाइड किया गया वहाँ पे, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक था। तमिल कम्युनिटी इन श्रीलंका इन यूगोस्लाविया द लीडर्स ऑफ डिफरेंट एथनिक कम्युनिटीज प्रेजेंटेड दियर डिमांड सच एज वे दैट दीज कुड नॉट बी एकोमोडेट विद इन अ सिंगल कंट्री, तो वहाँ पे बंटवारा होना संभव। ऐसे हमारे देश में भी हो चुका है जब इंडिया पाकिस्तान, वो भी कम्युनिटी बेस पर ही डिवीजन हुआ।
नहीं तो बढ़ता नहीं। थर्ड, इट डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट, और इस पर भी डिपेंड करता है सरकार उनकी मांगों पर, डिफरेंट ग्रुप के मांगों पर कैसे रिएक्ट करती है। एज वी सॉ इन द एग्जाम्पल बेल्जियम एंड श्रीलंका, इफ़ द रूलर्स आर विलिंग टू शेयर पावर, अगर उनके अच्छा पावर शेयर करने की क्षमता होती है, विलिंग होती है, एकोमोडेट द रीजनेबल डिमांड्स ऑफ माइनॉरिटी कमिटी, सोशल डिवीजन बिकम लेस, और माइनॉरिटी कमिटी के डिमांड को अगर वो मांग पूरी करते हैं तो वहाँ सोशल डिवीजन नहीं होगा। जैसे कि बेल्जियम में वहाँ जो गवर्नमेंट बनाई गई, कमिटी गवर्नमेंट बनाई गई और यूनियन स्टेट लेवल पावर शेयरिंग किया गया, सभी लैंग्वेज सभी लोगों को प्रतिनिधि दिया गया, जबकि श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ, तो श्रीलंका में कन्फ्लिक्ट हुआ, बिकेम लेस थ्रेटनिंग फॉर द कंट्री। बट इफ़ दे ट्राई टू सुप्रेस सच एज डिमांड इन द नेम ऑफ नेशनल यूनिटी, द एंड रिजल्ट इज ऑफन क्वाइट द अपोजिट, सच अटेम्प्ट एट फोर्स इंटीग्रेशन ऑफेंसिव टू सीड्स ऑफ डिस इंटीग्रेशन। सीड ऑफ डिस इंटीग्रेशन मतलब उसका बीज बोया जाना अखंडता का। दस द एसर्सन ऑफ द सोशल डाइवर्सिटीज इन अ कंट्री नीड नॉट बी सीन एज सोर्स ऑफ डेंजर, बट इन अ डेमोक्रेसी पोलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिविजन इज वेरी नॉर्मल एंड कैन बी हेल्दी। दिस अलाउ वेरियस डिसएडवांटेजेस एंड मार्जिनल सोशल ग्रुप टू एक्सप्रेस दियर ग्रीवियंसेस, और ये अलाउ करता है जो डिफरेंट डिसएडवांटेजेस लोग हैं, डिफरेंट मार्जिनल सोशल ग्रुप के लोग हैं, उनके जो ग्रीवियंस हैं, उनके जो मांगे हैं, उनके जो समस्याएं हैं, गवर्नमेंट टू अटेंड टू दी, सरकार उस चीज़ को अटेंड करे, उनकी मांगों को पूरा करे, उनका ध्यान दे। एक्सप्रेशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ सोशल डिवीजन इन पॉलिटिक्स ऑफ एन रिजल्ट इन दियर कैंसलिंग वन अनदर आउट एंड दस रिड्यूसिंग दियर इंटेंसिटी, दिस लीड टू स्ट्रेथनिंग ऑफ ए डेमोक्रेसी, इससे क्या होगा, हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। बट अ पॉजिटिव एटीट्यूड टू आर डाइवर्सिटी, लेकिन जो पॉजिटिव एटीट्यूड विभिन्नताओं के तरफ जो पॉजिटिव एटीट्यूड है एंड विलिंगनेस दृढ़ इच्छा शक्ति टू एकोमोडेट, इट डू नॉट कम अबाउट इजिली, इतना आसानी से भी इसको आना या हो पाना संभव नहीं हो पाता है। पीपल हु फील मार्जिन लाइन मतलब बॉर्डर लेवल, किनारे बिल्कुल, जैसे हम बिलो पॉवर्टी लेवल कहते हैं, डिप्राइव एंड डिसक्रिमिनेटेड, शोषित वर्ग, डिसक्रिमिनेटेड समाज, वंचित वर्ग जो हैव टू फाइट अगेंस्ट द इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ जो लड़ रहा है, सच अ फाइट ऑफन टेक्स द डेमोक्रेटिक पाथ। वाई तो ये जो संघर्ष है किस पर होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, वॉइसिंग दियर डिमांड्स इन अ पीसफुल, शांति ढंग से अपनी मांग करें, प्रोटेस्ट करें, धरना प्रदर्शन करें, लेकिन किसी हिंसात्मक रूप में न जाए, तोड़ फोड़ ऐसे नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर संवैधानिक ढंग से, एंड सीकिंग अ फेयर पोजिशन थ्रू इलेक्शन, और उस चीज़ को इलेक्शन के थ्रू करें। समटाइम्स सोशल डिफरेंसेस कैन टेक टू फॉर्म ऑफ अनएक्सेप्टेबल लेवल, आप और कभी कभी तो सोशल डिफरेंसेस जो है एक अनएक्सेप्टेबल लेवल पर सोशल इनइक्वलिटीज एंड इनजस्टिस, हमारे समाज में असमानता और अन्याय के रूप में, द स्ट्रगल अगेंस्ट सच इनइक्वलिटीज समटाइम्स टेक द पाथ ऑफ, कभी कभी इस जो इनइक्वलिटीज है, असमानता है, इसके अगेंस्ट संघर्ष जो है हिंसात्मक रूप ले लेता है, एंड डिफेंस ऑफ स्टेट पावर। हाउएवर एवर हिस्ट्री शोज दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट, और इस तरह से फिर भी सारे डिस्कशन कंक्लूजन के बाद हम इस पर निकलते हैं, निर्णय पाते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे टू फाइट फॉर रिकॉग्निशन एंड आल्सो एकोमोडेट डाइवर्सिटी। तो डेमोक्रेसी ही, लोकतंत्र ही सबसे अच्छा तरीका है अपनी पहचान के लिए लड़ने के लिए, एंड आल्सो एकोमोडेट डाइवर्सिटी, और इस विभिन्नताओं को एकोमोडेट करने के लिए। थैंक यू, this is the end of the chapter 3. I hope that you will study, you will watch video explanation, listen carefully, understand its points and solve to question answer, make notes, keywords, and if anyone problem, anyone confusion, then ask to me.
ऑलवेज वेलकम। दिस चैप्टर इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम बट इन पीरियोडिक टेस्ट स्कूल असेसमेंट, सो आई थिंक दैट इट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय मी। इसको एक्सप्लेन करूँ, छोड़ देने से कोई फ़ायदा नहीं था। थैंक यू।